खबर आ रही है झाबुआ जिले से। जैन समाज के समर्थन में उत्तरी मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस केंद्र व झारखंड राज्य सरकार के निर्णय से जहां पूरे देश का जैन समाज नाराज है। विगत दिनों भी जैन समाज ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन देते हुए कहा था कि समेद सिकर जी को तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया जाए, नहीं तो जैन समाज सड़क पर आकर केंद्र व झारखंड राज्य सरकार का विरोध दर्ज करेगा। आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी केंद्र व झारखंड राज्य सरकार को कहा है कि हम जैन समाज के साथ हैं। समेद शिखर जी जैन धर्मावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थान है। केंद्र व झारखंड सरकार से मांग की है कि अपना निर्णय बदले। तो वहीं डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने यहां भी कहा कि 21 तारीख को भारत बंद का जैन समाज के द्वारा आह्वान किया गया है, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का समर्थन करती है। झाबुआ से जिला चीफ ब्यूरो दीपेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ समेद शिखर जी, जो कि जैन समाज का आस्था का केंद्र है, यहाँ पर 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का देवलोक गमन हुआ था और इस पावन धरा पर किसी न किसी तरह से हस्तक्षेप करने के तरीके से भाजपा ने जो उसको पर्यटन स्थल घोषित कराया, हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं और भाजपा और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो पर्यटन स्थल इसको घोषित करा है उसको वापस लें, क्योंकि ये एक व्यक्ति के नहीं, ये पूरे समाज का आस्था का केंद्र है। और कल 21 तारीख को जो बंद का आह्वान जैन समाज ने करा है उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.